हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आ चुका हूँ आपके लिए एक और अमेजिंग और धमाकेदार वीडियो लेके गाइस। और आज मैं लेके आया हूँ डिफरेंट टाइप की ज्योमेट्री बॉक्स। और एक है गाइस हमारे पास पोपेट का है दोस्तों, काफी अमेजिंग और काफी सुंदर सी डायरी दोस्तों। कुछ है गाइस पेन, और एक है गाइस हमारे पास डोरेमोन का स्टेशनरी स्टैंड बाय मी। गाइस बिना स्किप करे पूरी वीडियो एंड तक देखना, फिर आप मुझे कमेंट करके बताना इन सब में आपको सबसे अच्छी चीज क्या लगी। गाइस वीडियो अच्छी लगे तो कर देना वीडियो को लाइक दोस्तों, और चैनल को कर देना सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब कर खाए तो थैंक यू सो मच फैमिली की तरफ। तो चलो फटाफट आज का कलेक्शन शुरू करते हैं। और दोस्तों आप जब भी कमेंट करोगे ना, कमेंट करने के बाद ब्रैकेट में अपना नाम जरूर लिखा करो, जिससे मुझे आपका नाम याद हो जाए और मैं जब भी गिव अवे करूं तो मैं आपको गिव अवे कर सकूं दोस्तों। तो चलो फटाफट आज का कलेक्शन शुरू करते हैं। सबसे पहले है गाइस हमारे पास एक काफी सुंदर और काफी प्यारा सा दोस्तों एक पेंसिल सेट, और ये है एक पंखुड़ी वाला सेट दोस्तों। और इस पेंसिल को दोस्तों हम लेके भागेंगे तो ये ऑटोमेटिक पंखुड़ी घूमने लगेगी दोस्तों, काफी अमेजिंग है। और इस पंखुड़ी वाले पेंसिल को दोस्तों मैंने 20 रुपीस का परचेस किया है। पेंसिल दिखाता हूं कैसी है, तो ये देखो दोस्तों इसकी नीडल देख सकते हो कितनी लंबी और कितनी अच्छी क्वालिटी के दोस्तों, पुश एंड बैक वाली दोस्तों ये पेंसिल है। तो ये पंखुड़ी वाली पेंसिल आपको कैसी लगी दोस्तों, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। नेक्स्ट दिखाता हूं। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास एक मिनियंस का पेन, ये देखो दोस्तों। और मिनियंस की आंखें देखो दोस्तों कितनी खतरनाक और कितनी अमेजिंग लग रही है दोस्तों। और इस पेन को दोस्तों मैंने 30 रुपीस का परचेस किया है। चलो चला के भी दिखाता हूं ये पेन कैसा चलता है। इसकी नीडल देखो दोस्तों कितनी पतली नीडल है, और ये देखो दोस्तों ये वॉल पेन है। अभी मेरे हाथ में चल नहीं रहा, थोड़ी देर में चलने लगेगा। ये देखो दोस्तों चलने लग गया, काफी अच्छा भी चल रहा है, काफी जबरदस्त भी चल रहा है दोस्तों, देख सकते हो काफी पतली निडल है। ये मिनियंस का पेन आपको कैसा लगा दोस्तों, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। नेक्स्ट चीज का तो नेक्स्ट है गाइस हमारे पास एक शूज दोस्तों, ये देख सकते हो काफी अमेजिंग ऐसा लग रहा है, बिल्कुल रियल का शूज है। बट ये शूज नहीं है दोस्तों, ये है एक शार्पनर, ये देखो दोस्तों शार्पनर है, बिल्कुल 3D लुक में, यानी ऐसा लग रहा है रियल का जूता है दोस्तों, बट ये जूता नहीं है दोस्तों। नीचे गाइस सोल में गाइस हमें इरेजर मिल जाती है, और इसके अंदर गाइस हमें शार्पनर मिल जाता है, और यहाँ से गाइस हम अपनी पेंसिल को शार्प कर सकते हैं दोस्तों। काफी जबरदस्त है, काफी अमेजिंग है। और इस जूते वाले शार्पनर को दोस्तों मैंने 40 रुपीस का परचेस किया है। चलो साइड रखता हूं। नेक्स्ट दिखा दो। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास हेलो किटी का दोस्तों डुअल शार्पनर सेट दोस्तों, ये भी काफी जबरदस्त काफी अमेजिंग है। और इस शार्पनर को दोस्तों मैंने 20 रुपीस का परचेस किया है। ओपन करके दिखाता हूं इसका ब्लेड, ये देखो दोस्तों ब्लेड कितना अमेजिंग है। एक छोटा ब्लेड मिलता है, एक बड़ा ब्लेड मिलता है, और दोनों शार्पनर का साइज बिल्कुल सेम है दोस्तों, काफी अमेजिंग है। ब्लेड की क्वालिटी दोस्तों काफी अमेजिंग है। ये हेलो किटी का शार्पनर था दोस्तों, 20 रुपीस का परचेस किया है। चलो नेक्स्ट दिखा दो। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास एक गन दोस्तों, ये देख सकते हो गन काफी अमेजिंग गन है, काफी जबरदस्त गन है। और इस गन को दोस्तों मैंने 30 रुपीस का परचेज किया है। और दोस्तों ये गन नहीं है, ये है एक काफी सुंदर सा पेन, ये देखो दोस्तों दिखाता हूं। आगे की टिप देखो दोस्तों कितनी अमेजिंग है, कितनी पतली टिप, और ये देखो दोस्तों, और ये जेल पेन है, ये काफी सुंदर चल भी रहा है, काफी अमेजिंग है। और ये गन लुक में दोस्तों काफी जबरदस्त काफी अमेजिंग। तो ये आपको गन वाला पेन कैसा लगा दोस्तों, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। चलो नेक्स्ट चीज दिखाता हूं। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास काफी सुंदर और काफी प्यारा सा दोस्तों एक लिटिल प्रिंसेस की ज्योमेट्री बॉक्स लुक देखो दोस्तों कितनी अमेजिंग है। फ्रंट में हमें एक बटन मिलता है, इस बटन को दबाते ये देखो दोस्तों ढक्कन ओपन हो गया। ढक्कन ओपन करने के बाद हम शार्पनर को यूज कर सकते हैं। एक छोटा शार्पनर मिलता है, एक बड़ा शार्पनर मिल जाता है। और शार्पनर की क्वालिटी देखो दोस्तों ये कितनी अमेजिंग है। लिटिल प्रिंसेस की भी फोटो देखो दोस्तों कितनी अमेजिंग लग रही है दोस्तों। ढक्कन ओपन करते हैं, ढक्कन ओपन करने के लिए दोस्तों हमें इसमें पासवर्ड डालना पड़ेगा। दो पासवर्ड मिल जाता है, पासवर्ड क्या 3 और 4 है। पासवर्ड काफी उभरे उभरे पासवर्ड है दोस्तों, देख सकते हो कितनी अच्छी क्वालिटी के दोस्तों पासवर्ड है। 3 को हम इस जगह सेट कर देंगे, और फिर 4 को भी इस जगह सेट कर देंगे घुमा के, देख सकते हो इस तरह घुमा के सेट कर देंगे। फिर यहाँ ऑन ऑफ का बटन है, तो ऑन करेंगे बटन को, और फिर ऊपर का ढक्कन ओपन हो जाएगा। ये देखो दोस्तों काफी अमेजिंग अंदर का इंटरफेस देख सकते हो, काफी अच्छा है। इसमें गाइस हमें 1 2 3 4 5 पेंसिल लॉक मिल जाते हैं, और पेंसिल लॉक की क्वालिटी देखो दोस्तों डुअल लॉक पेंसिल लॉक मिल जाता है दोस्तों इस ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर, ये देखो दोस्तों है ना काफी जबरदस्त, काफी अच्छा स्पेस भी मिल गया दोस्तों। चलो बैक साइड के ढक्कन को ओपन करते हैं। बैक साइड के ढक्कन को ओपन करने के लिए दोस्तों हमें ऑन ऑफ का बटन ऑन करना पड़ेगा, तो ऑन किया तो बैक साइड का ढक्कन ओपन किया, तो ये देखो दोस्तों कितना अच्छा स्पेस है, काफी सारा स्टडी मटेरियल आ जाएगा। और इस ज्योमेट्री बॉक्स को मैंने 150 रुपीज की परचेज करी है, इस लिटिल प्रिंसेस ज्योमेट्री बॉक्स को। चलो साइड रखता हूं। नेक्स्ट चीज दिखाता हूं। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास एक काफी सुंदर काफी प्यारी एक डोरेमोन की स्टेशनरी सेट स्टैंड बाय मी, और इस सेट को दोस्तों मैंने 200 रुपीज का परचेज किया। और इस सेट में देखते हैं हमें क्या क्या चीजें मिलती है और कितनी आइटम मिलती है, फिर आप मुझे कमेंट करके बताना आपको ये डोरेमोन का सेट कैसा लगा। तो इसके अंदर ये देख सकते हो ये सारी चीजें मिलती है। इसके अंदर
गाइज हमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आठ आइटम मिल जाती है। सबसे पहले तो देखो दोस्तों इसमें हमें क्या मिलता है, ये देखो दोस्तों काफी बड़ी और काफी सुंदर गाइज एक सीजर मिल जाती है, ये देखो दोस्तों काफी अच्छी क्वालिटी की, और ये पेपर कट सीजर है, मैं आपको बाद में पेपर कट करके भी दिखाऊंगा इस सीजर से, तो काफी अच्छी सीजर मिल जाती है इस स्टेशनरी सेट में। और क्या मिलता है इस स्टेशनरी सेट में, देखो दोस्तों हमें क्या मिलता है, ये क्या है दोस्तों, ये क्या है, काफी अमेजिंग और काफी बड़ा चीज है ये देखते हैं क्या है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। और ये तो है गाइज एक शार्पनर, ये देखो दोस्तों कितना सुंदर और कितना प्यारा और इतना बड़ा शार्पनर दोस्तों हमें किसी भी स्टेशनरी सेट में नहीं मिलता है दोस्तों, काफी बड़ा शार्पनर मिल जाता है दोस्तों, आगे होल मिलता है ऊपर के दोस्तों, इसके पंख को बंद करेंगे फिर हम पेंसिल घुसाएंगे और फिर पेंसिल शार्प करेंगे और जितना भी कूड़ा होगा इसके ट्रे में आ जाएगा। ट्रे देख सकते हो काफी बड़ा ट्रे मिल जाता है और काफी बड़ा शार्पनर भी मिल जाता है, पेंसिल अभी है नहीं, पेंसिल को बाद में शार्प करके दिखाऊंगा ये कैसा शार्पनर है। और यहां देख सकते हो इसकी मशीन भी काफी अच्छी है और काफी अमेजिंग क्वालिटी का दोस्तों हमें शार्पनर मिल जाता है दोस्तों इस सेट के अंदर, दोनों चीज तो काफी अच्छी चीज निकली दोस्तों। और देखते हैं इसमें हमें क्या मिलता है, दो गाइस हमें मिलते हैं पेंसिल, ये देखो दोस्तों दो वुडन पेंसिल मिल जाते हैं, गोल्ड पेंसिल मिल जाते हैं और वो भी डोरेमोन की फोटो छपी है इन पेंसिल के ऊपर। साइज की बात करते हैं, साइज भी काफी अच्छा है इन पेंसिल का दोस्तों, गोल्ड पेंसिल मिल जाती है। और क्या मिलता है इसके अंदर, इसके अंदर गाइस हमें एक छोटी सी काफी प्यारी सी डायरी मिल जाती है, डोरेमोन की डायरी या ड्रॉइंग बुक का देखते हैं, तो डायरी मिल जाती है दोस्तों काफी अमेजिंग सी, काफी जबरदस्त सी और काफी सारे पेज है इतनी सी पतली डायरी के अंदर, आप देख सकते हो कितने सारे पेजेस मिल जाते हैं दोस्तों। और सबसे अच्छी बात है आगे और पीछे डोरेमोन की फोटो छपी है दोस्तों। और देखते हैं क्या मिलता है इसके अंदर, तो इसके अंदर गाइस हमें मिलता है 15 सेंटीमीटर का रूलर मिल जाता है दोस्तों और इसके ऊपर भी डोरेमोन की फोटो छपी है, रूलर की भी क्वालिटी दोस्तों काफी अच्छी है। और क्या मिलता है इसके अंदर, इसके अंदर गाइस हमें मिलता है एक काफी सुंदर और काफी प्यारी सी दोस्तों एक मेटल की ज्योमेट्री बॉक्स दोस्तों, और ज्योमेट्री बॉक्स पे देखो आधा डोरेमोन का फेस बना है, यहाँ डोरेमोन लिखा है, यहाँ स्टैंड बाय मी लिखा है, बैक साइड में गाइस हमें टेबल देखने को मिल जाती है और अल्फाबेट देखने को मिल जाते हैं ज्योमेट्री बॉक्स के पीछे। ढक्कन ओपन करते हैं, ढक्कन ओपन करने के बाद कुछ इस तरह इंटरफेस मिलता है, अंदर एक ही कंपार्टमेंट मिलता है बट इसके अंदर गाइस सब कुछ आ जाएगा, ये देखो सीजर काफी इजिली से आ गई, पेंसिल भी दोस्तों देखो कितनी इजिली से आ जाएगी हमारी इसके अंदर देख सकते हो, और फिर हम इसे काफी इजिली से बंद भी कर सकते हैं, तो काफी अच्छे स्पेस वाली ज्योमेट्री बॉक्स मिल गई। और इसके अंदर गाइस हमें मिलती है एक इरेजर, डोरेमोन की इरेजर मिल जाती है, और दो मिलते हैं गाइस हमें पेंसिल कैप, ये देखो दोस्तों पेंसिल कैप मिल जाते हैं, ये देख सकते हो, चलो मैं पेंसिल के अंदर डाल के भी दिखाता हूँ ये कैप कैसी है, तो ये देखो दोस्तों ये पेंसिल है और ये कैप है, और इसके अंदर देखो दोस्तों है ना काफी जबरदस्त काफी अमेजिंग, ये स्टेशनरी सेट में ये सारी चीजें मिली थी दोस्तों। और इस स्टेशनरी सेट में सच बताऊं मुझे तो ये शार्पनर और ये सीजर बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी, फिर दोस्तों मुझे ये पेंसिल भी काफी अच्छी लगी, आपको क्या अच्छा लगा दोस्तों प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। चलो साइड रखता हूँ, नेक्स्ट ही दिखाता हूँ आपको, नेक्स्ट है गाइस हमारे पास एक काफी सुंदर और काफी प्यारा सा दोस्तों एक आइसक्रीम सेट दोस्तों, और ये आइसक्रीम नहीं है, ये है काफी जबरदस्त चीज, दिखाता हूँ पन्नी से निकाल के, और इस सेट को दोस्तों मैंने 50 रुपीज का परचेज किया है, तो एक आइसक्रीम निकालता हूँ, तो ये आइसक्रीम है दोस्तों काफी सुंदर सी, और ये आइसक्रीम के ढक्कन को ओपन करते हैं यानी डंडी को खींचते हैं, तो ये देखो दोस्तों इसके अंदर गाइस हमें मिलता है काफी सुंदर सा एक हाइलाइटर, ये देखो दोस्तों काफी अच्छी क्वालिटी का दोस्तों हाइलाइटर मिल जाता है, ऐसा लग रहा है बिल्कुल रियल के आइसक्रीम है बट दोस्तों आइसक्रीम नहीं है, ये है एक हाइलाइटर, टोटल हमें इसमें 6 कलर के हाइलाइटर मिल जाते हैं। चलो नेक्स्ट ही दिखाता हूँ, नेक्स्ट है गाइस हमारे पास एक काफी सुंदर और काफी प्यारा दोस्तों एक पॉपिट पाउच वाली डायरी दोस्तों, इसमें गाइस हमें पॉपिट मिल जाते हैं, हमारा टाइम पास हो जाएगा दोस्तों, और साथ ही गाइस इसमें पेंसिल या पेन रखने के लिए हमें एक पाउच मिल जाता है, ये देखो दोस्तों इस डायरी के अंदर, ये देखो दोस्तों इसके अंदर गाइस हमने पेंसिल ऑलरेडी रख रखी थी, देख सकते हो इस तरह से हम अपने पेन या पेंसिल रख सकते हैं, काफी अच्छा पाउच मिल जाता है। अब मैं डायरी के अंदर के पेजेस की बात करते हैं, दिखाता हूं कैसे पेजेस हैं, तो ये देखो दोस्तों पॉपिट हटाया और उसके बाद भी गाइस हमें गत्ता मिल जाता है, और इसके अंदर ये देखो दोस्तों कुछ इस तरह के पेजेस मिल जाते हैं, और पेजेस भी काफी सारे मिल जाते हैं देख सकते हो, काफी मोटी डायरी है दोस्तों काफी सुंदर। और आपको ये पॉपिट वाली डायरी कैसी लगी दोस्तों प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना, मैंने 150 की परचेज करी है ऑफलाइन दोस्तों इस डायरी को दोस्तों। चलो साइड रखता हूं, नेक्स्ट ही दिखाता हूं, नेक्स्ट है गाइस हमारे पास एक काफी सुंदर और काफी प्यारी एक लिटिल एलिफेंट की ज्योमेट्री बॉक्स, और इस ज्योमेट्री बॉक्स पे देखो कितनी अच्छी लाइन लिखी है, आई लव योर मदर, ये देखो है ना काफी जबरदस्त काफी अमेजिंग, और कौन कौन अपनी मम्मी से प्यार करता है प्लीज कमेंट में लिख दो आई लव मदर दोस्तों, मैं भी दोस्तों देखूं कौन कौन अपनी मम्मी से प्यार करता है, और कमेंट के बाद अपना नाम जरूर लिखना दोस्तों। तो ये दिखाता हूँ लिटिल एलिफेंट की ज्योमेट्री बॉक्स, फ्रंट में गाइस हमें दो बटन मिल जाते हैं, इन दोनों बटन का यूज देखते हैं, तो बटन पहले बटन को दबाए तो ये देखो दोस्तों पहले बटन को दबाने से शार्पनर ऊपर आ जाता है दोस्तों, और यहाँ देख सकते हो होल मिल जाता है, और इस होल में दोस्तों हम अपनी पेंसिल को डाल के शार्प कर सकते हैं, फिर जब यूज खत्म हो जाएगा फिर इसे नीचे कर देंगे दोस्तों, काफी अमेजिंग है।
सेकंड ढक्कन को ओपन करते हैं यानी सेकंड बटन को ओपन करते हैं, सेकंड बटन को दबाते ये देखो क्या होता है, सेकंड बटन को दबाते ये एक छोटा सा कंपार्टमेंट निकलता है और इसमें गाइस हम अपनी स्टडी मटेरियल को रख सकते हैं। ढक्कन ओपन करते हैं, ढक्कन ओपन करने के बाद ये देखो दोस्तों हमें इसके अंदर गाइस एक मार्कर मिल जाता है जिसके आगे गाइस हमें डस्टर भी मिल जाता है और इसके अंदर गाइस हमें मिलता है 1 2 3 4 5 पेंसिल लॉक मिल जाते हैं, स्पेस काफी जबरदस्त है और एक और सेक्शन मिल जाता है दोस्तों इस कंपार्टमेंट के अंदर दोस्तों देख सकते हो काफी अमेजिंग काफी जबरदस्त है। चलो बैक साइड की बात करते हैं, बैक साइड के ढक्कन को ओपन करते हैं, बैक साइड के ढक्कन को ओपन किया तो बहुत बड़ा कंपार्टमेंट मिल जाता है, काफी अच्छा स्पेस मिल जाता है और इसमें हमारा काफी सारा स्टडी मटेरियल आ जाएगा। और दोस्तों इसके अंदर मार्कर मिला था, मार्कर किस काम है दोस्तों, तो यहां देखो दोस्तों हमें एक लॉक दिख रहा है, इस लॉक को खींचेंगे तो यानी इस शटर को खींचेंगे तो इसके अंदर ये देखो दोस्तों वाओ काफी अमेजिंग काफी जबरदस्त एक व्हाइट बोर्ड मिल जाता है और इसके व्हाइट बोर्ड के बॉर्डर पे देखो दोस्तों आई लव यू भी लिखा है दोस्तों और देख सकते हो चारों तरफ लिटिल प्रिंसेस यानी लिटिल एलिफेंट की फोटो छपी है दोस्तों, काफी अमेजिंग काफी जबरदस्त दोस्तों। तो चलो इसे साइड रखते हैं और इसका व्हाइट बोर्ड भी काफी अमेजिंग है दोस्तों और काफी मोटी ज्योमेट्री बॉक्स है और इस ज्योमेट्री बॉक्स को मैंने 180 रुपीज का परचेज किया ऑफलाइन, ऑनलाइन कुछ भी मैं परचेज नहीं करता दोस्तों मैं आपको बता दूं। आप लोग मुझे कमेंट में कहते हो कि भैया प्लीज बाय लिंक दो, तो मैं बाय लिंक नहीं दे सकता क्योंकि दोस्तों मैं ऑफलाइन परचेज करता हूं, ऑनलाइन मार्केट मैं परचेज नहीं करता। तो साइड रखता हूं, नेक्स्ट चीज दिखाता हूं। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास एक काफी सुंदर और काफी प्यारा दोस्तों एक यूनिकॉर्न का पेंसिल पाउच, ये भी काफी सुंदर है काफी प्यारा है और इसके विंग देखो दोस्तों यूनिकॉर्न के कितने जबरदस्त और कितने अमेजिंग है दोस्तों, फ्रंट लुक काफी जबरदस्त काफी एलिगेंट है दोस्तों और इसमें गाइस हमें दो जिप मिलती है यानी दो पॉकेट मिलते हैं। तो फ्रंट में गाइस ये वाला पॉकेट है जिसमें भी काफी अच्छा स्पेस और काफी सारा स्टडी मटेरियल आ जाएगा। सेकंड जिप को ओपन करते हैं, सेकंड जिप को ओपन करने के बाद दिखाता हूँ कितना स्पेस है, तो ये देखो दोस्तों ये भी देखो लो काफी अच्छा स्पेस है इसमें दोस्तों हमारा काफी सारा स्टडी मटेरियल आ जाएगा दोस्तों। तो साइड रखता हूँ, नेक्स्ट दिखाता हूँ आपको। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास एक काफी सुंदर और काफी प्यारी से दोस्तों एक गाइस स्पेस बस की ज्योमेट्री बॉक्स, ये भी काफी सुंदर ज्योमेट्री बॉक्स है काफी प्यारे, इसमें दो व्हील मिल जाते हैं हमें और इस व्हील में गाइस हमें मिलता है एक शार्पनर, एक व्हील में शार्पनर मिल जाता है और एक व्हील में दोस्तों हमें इरेजर कंपार्टमेंट मिल जाता है। आपको दिखाता हूँ ये शटर हटा के, तो इस शटर को हटाएंगे और इसके अंदर गाइस हम इरेजर रख सकते हैं दोस्तों, काफी जबरदस्त काफी अमेजिंग है। और यहाँ पे हमें दो बटन मिलते हैं दोस्तों, इस बटन को दबाते हैं तो ऊपर वाला ढक्कन ओपन हो जाएगा गाइस और यहाँ देख सकते हो ऊपर वाला ढक्कन ओपन होने के बाद गाइस में हमें एक पॉकेट मिल जाता है, इसमें गाइस हम अपना क्लास शेड्यूल लिख सकते हैं और इसके अंदर गाइस हमें 1 2 3 पेंसिल लॉक मिल जाता है और एक और सेक्शन मिल जाता है इस कंपार्टमेंट के अंदर गाइस, एक कंपार्टमेंट में दो सेक्शन मिल गए, एक पॉकेट भी मिल गया इस ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर, इरेजर कंपार्टमेंट मिल गया और शार्पनर कंपार्टमेंट भी मिल गया दोस्तों इस ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर गाइस। फिर दूसरे ढक्कन को ओपन करते हैं तो बटन दबाएंगे तो दूसरा ढक्कन ओपन हो जाएगा, तो यहां देख सकते हो कुछ इस तरह इंटरफेस है और इसमें भी दोस्तों काफी अच्छा स्पेस और इसमें भी दोस्तों हमारा काफी सारा स्टडी मटेरियल आ जाएगा। तो ये थी बस स्पेस की ज्योमेट्री बॉक्स दोस्तों और इसे मैंने 160 रुपीज की परचेज करी है। आपको कैसी लगी दोस्तों प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। चलो साइड रखता हूं, नेक्स्ट तो आपको। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास एक काफी सुंदर और काफी प्यारी सी दोस्तों एक डोरेमोन की दोस्तों पेंसिल पाउच, ये भी काफी सुंदर है काफी प्यारी है और ये 3D लुक में दोस्तों ये पेंसिल पाउच आप देख सकते हो, ये देखो दोस्तों है ना काफी गजब, ये देखो अभी सन कहाँ है यहाँ पे, अब थोड़ा ऊपर करूंगा सन यहाँ आ जाएगा दोस्तों, काफी सुंदर है काफी गजब है दोस्तों। चलो जिप ओपन करते हैं, जिप ओपन करके देखते हैं दोस्तों इसमें कितना स्पेस है और देख सकते हो जिप की क्वालिटी कितनी अमेजिंग है, मेटल की दोस्तों जिप मिल जाती है इस पाउच के अंदर। जिप ओपन करते हैं, जिप ओपन करने के बाद ये देखो दोस्तों अंदर का इंटरफेस कुछ इस तरह का है, यहाँ देख सकते हो गाइस हमें काफी बड़ा पॉकेट मिल जाता है नेट वाला देख सकते हो और इसमें गाइस हम अपनी स्टडी मटेरियल को रख के फिर जिप लगा सकते हैं, काफी अच्छा है काफी अमेजिंग दोस्तों पाउच मिल जाता है और यहाँ देख सकते हो इसमें गाइस 1 2 3 4 पॉकेट और मिल गए और इसमें गाइस हम अपनी पेन या पेंसिल को स्टैंड करके रख सकते हैं दोस्तों। नीचे वाले कंपार्टमेंट में दोस्तों काफी अच्छा स्पेस है, इसमें भी दोस्तों हमारा काफी सारा स्टडी मटेरियल आ जाएगा, बट ये 3D लुक में पेंसिल पाउच ने मुझे काफी जबरदस्त और काफी अमेजिंग लगा दोस्तों। आपको कैसा लगा दोस्तों प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। चलो साइड रखता हूँ और इस पाउच को दोस्तों मैंने 150 रुपीज का परचेज किया। नेक्स्ट चीज दिखाता हूँ, नेक्स्ट है गाइस हमारे पास एक काफी सुंदर और काफी प्यारे दोस्तों एक बियर पांडा वाली ज्योमेट्री बॉक्स, ये भी काफी सुंदर है काफी प्यारी है और इसमें गाइस हमें 1 2 3 4 5 बटन मिल जाते हैं, इन पांचों बटन का यूज देखेंगे क्या है। तो पहले ढक्कन ओपन करते हैं, ढक्कन ओपन करने से पहले गाइस हमें यहाँ मिलते हैं दो शार्पनर, यहाँ बटन दबाता हूँ, बटन दबाते गेट ओपन हो जाता है, फिर हम पेंसिल शार्पनर को यूज कर सकते हैं, दो शार्पनर मिल जाते हैं, एक छोटा शार्पनर मिलता है एक बड़ा शार्पनर मिल जाता है दोस्तों ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर। चलो ढक्कन ओपन करते हैं, ढक्कन ओपन करते ही गाइस हमें कुछ इस तरह अंदर का इंटरफेस मिलता है गाइस और इसमें गाइस हमें 5 बटन मिलता है और साथ ही गाइस इसमें हमें 1 2 3 4 5 गाइस हमें पेंसिल लॉक मिल जाता है। पेंसिल लॉक देखते हैं कैसा है, तो यहाँ गाइस बटन मिला, इन बटन का यूज देखते हैं, तो पहले बटन को दबाया तो ये देखो दोस्तों पेंसिल लॉक ऊपर हो गया, अरे वाह
काफी अमेजिंग यार। यानी जो भी पेंसिल हमें यूज करनी है उस बटन को दबाना है और वो पेंसिल ऊपर हो जाएगी, फिर हम निकाल लेंगे। जैसे मान लो हमें चौथी पेंसिल यूज करनी है तो चौथी पेंसिल को निकालने के लिए दोस्तों हमें चौथा बटन दबाना पड़ेगा और फिर लॉक ऊपर हो जाएगा, फिर हम पेंसिल को निकाल लेंगे। दोस्तों काफी अमेजिंग, काफी जबरदस्त लॉक है और ऐसा पेंसिल लॉक दोस्तों हमें किसी भी ज्योमेट्री बॉक्स में नहीं मिलता। दो छोटे छोटे सेक्शन और मिल जाते हैं इस वाले कंपार्टमेंट के अंदर, जिसमें गाइस हम अपने इरेजर या कुछ भी स्टडी मटेरियल रख सकते हैं। काफी जबरदस्त, काफी अमेजिंग है। चलो बंद करते हैं, बैक साइड के ढक्कन को ओपन करते हैं। बैक साइड को ढक्कन को ओपन करने के बाद कुछ इस तरह इंटरफेस मिलता है और इस वाले कंपार्टमेंट में दोस्तों हमें टेबल देखने को मिल जाती है। काफी सुंदर, काफी अमेजिंग, काफी बड़ी ज्योमेट्री बॉक्स है दोस्तों, और इस ज्योमेट्री बॉक्स को मैंने 150 रुपीज की परचेज करी है। साइड रखता हूँ, नेक्स्ट चीज दिखाता हूँ। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास एक यूनिकॉर्न का पेंसिल पाउच। ये भी काफी सुंदर पेंसिल पाउच है, काफी प्यारी पेंसिल पाउच है दोस्तों। इसे जिप ओपन करते हैं और इसकी जिप देखो दोस्तों, मेटल की जिप है। ऊपर देख सकते हो यूनिकॉर्न की फोटो छपी है। जिप ओपन करते हैं तो ये देखो दोस्तों, इसके अंदर ये देखो दोस्तों कुछ इस तरह अंदर इंटरफेस है। इसमें गाइस हमें एक नेट वाला पॉकेट मिल जाता है। बीच वाले कंपार्टमेंट में दोस्तों हमें 1, 2, 3, 4 पेंसिल लॉक मिल जाते हैं और दोस्तों नीचे वाले कंपार्टमेंट में दोस्तों काफी अच्छा स्पेस है, इसमें भी दोस्तों हमारा काफी सारा स्टडी मटेरियल आ जाएगा दोस्तों। चलो साइड रखता हूँ, नेक्स्ट चीज दिखाता हूँ आपको। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास एक स्नो माउंटेन की ज्योमेट्री बॉक्स, काफी सुंदर है और इसके अंदर से कुछ आवाज आ रही है, यानी इसके अंदर हमें कुछ मिलेगा। और ये मेटल की ज्योमेट्री बॉक्स है दोस्तों, काफी सुंदर है। ऊपर देख सकते हो आउल की फोटो छपी है। ढक्कन ओपन करते हैं। ढक्कन ओपन करने के बाद इसके अंदर गाइस हमें एक छोटा और गाइस ज्योमेट्री बॉक्स मिल जाती है दोस्तों। वाओ, काफी अमेजिंग। और इसके ढक्कन को ओपन करते हैं तो ये देखो दोस्तों, काफी अच्छा स्पेस है, काफी गहरा स्पेस है। इसमें दोस्तों हमारा काफी सारा स्टडी मटेरियल आ जाएगा दोस्तों। तो काफी प्यारी ज्योमेट्री बॉक्स है, एक छोटी सी ज्योमेट्री बॉक्स मिल गई एक बड़ी ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर। एक ट्रे मिलते हैं, ट्रे पे गाइस हमें टेबल देखने को मिल जाती है और ट्रे हटाते हैं तो नीचे गाइस एक और कंपार्टमेंट मिलता है। इसमें भी दोस्तों काफी अच्छा स्पेस है और इसमें भी दोस्तों हमारा काफी सारा स्टडी मटेरियल आ जाएगा दोस्तों। देख सकते हो ये आपको कैसी लगी स्नो माउंटेन की ज्योमेट्री बॉक्स, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। नेक्स्ट दिखाता हूं। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास गो टू द मून की ज्योमेट्री बॉक्स। ये भी दोस्तों मेटल की ज्योमेट्री बॉक्स है। मेटल की ज्योमेट्री बॉक्स का फायदा ये होता है, अगर हमारी ज्योमेट्री बॉक्स गिरती भी है ना तब भी टूटेगी नहीं दोस्तों। ये काफी सुंदर और काफी अच्छी क्वालिटी की दोस्तों ज्योमेट्री बॉक्स होती है दोस्तों। ढक्कन ओपन करते हैं। ढक्कन ओपन करते ही वाओ यार, इसके अंदर गाइस हमें ये देखो कितना बड़ा कैलकुलेटर मिलता है और ये कैलकुलेटर तो 360 रोटेट भी होता है। अरे वाह, काफी अमेजिंग देख सकते हो। और इतना बड़ा कैलकुलेटर दोस्तों हमें किसी भी ज्योमेट्री बॉक्स में नहीं मिलता। और बटन देखो दोस्तों, कितने अच्छे बटन है दोस्तों, काफी अमेजिंग, काफी अच्छी क्वालिटी का दोस्तों बटन है दोस्तों। काफी अच्छा और काफी स्मूथ वर्क भी कर रहा है। और इस कैलकुलेटर में दोस्तों ऑन ऑफ का अलग अलग बटन भी दिया हुआ है दोस्तों। जैसे ऑफ करना है तो ऑफ का बटन करेंगे, कैलकुलेटर बंद हो जाएगा। ऑन करना है तो येलो बटन को दबाएंगे तो ऑन हो जाएगा दोस्तों। और फिर ये जीरो करना हो तो उसके लिए भी अलग बटन मिल जाता है इस कैलकुलेटर के अंदर दोस्तों। काफी जबरदस्त, काफी अमेजिंग। इस कैलकुलेटर को गाइस हमें ऊपर से करना है यूज तो इसे घुमा के आगे कर देंगे दोस्तों। काफी जबरदस्त है, जैसे बंद है कैलकुलेटर, इसे घुमा देंगे फिर आगे कैलकुलेटर आ जाएगा, फिर वर्क कर लेंगे दोस्तों। ढक्कन ओपन करते हैं। ढक्कन ओपन करने के बाद देखते हैं इसमें कितना स्पेस है। ढक्कन ओपन किया तो इसके अंदर भी दोस्तों काफी अच्छा स्पेस है और ये देख सकते हो ट्रे है और ट्रे पे गाइस हमें टेबल देखने को मिल जाते हैं। ट्रे हटाते हैं तो नीचे एक और कंपार्टमेंट है। इस कंपार्टमेंट में दोस्तों काफी अच्छा स्पेस है दोस्तों और काफी सारा स्टडी मटेरियल आ जाएगा दोस्तों। तो ये था आज का कलेक्शन। आज का कलेक्शन आपको कैसा लगा दोस्तों, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। आज के कलेक्शन में आपको सबसे अच्छा क्या लगा ये भी दोस्तों मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मुझे तो ये डोरेमोन का शार्पनर काफी ज्यादा अच्छा लगा दोस्तों और मुझे सीजर भी अच्छा लगा। चलो मैं सीजर से दोस्तों एक बार आपको पेपर कट करके दिखाता हूँ। तो पेपर कौन सा कट करें तो ये इसी के पेज है, एक पेज को ले लेते हैं दोस्तों और कट करके दिखाता हूँ। तो ये देखो दोस्तों, ये कट किया, ये देखो दोस्तों कितने ईजी से पेपर को कट कर दिया इसने, है ना, काफी जबरदस्त, काफी अमेजिंग दोस्तों। तो आपको कैसा लगा दोस्तों आज का वीडियो, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। अच्छी लगी तो कर देना इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे वीडियो अच्छे कलेक्शन के साथ। जब तक बाय बाय दोस्तों।